السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين जी सबसे पहले तो आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक लिसानुल कुरान एडवांस कोर्स के सबक नंबर सोलह में खुश आमदीद मैं हूँ आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस क्लास का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाई आमी जी जैसा कि आप जानते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से फेल सुलाती, मजीदफी फी पढ़ रहे हैं जिसमें आपने फेल सुलाती, मजीदफी फी को समझ लिया कि वो कौन सा फेल है और उसके कौन से बाब हैं कितने उसके बाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको सब समझ आ चुकी है कि फेल सुलाती, मजीद फ़ी के आठ अब हैं और ये तीन दराजात में हैं और इनकी खसूसियात भी हमने पढ़ ली फिर आपने इनके मिसालें भी पाक से तलाश की अल्लाह ताला आपकी काबिशों को कबूल फरमाए आमीन। तो हमने जैसा कि ये देखा कि सगीर हमने देखी सलासी मजिदी से आपने इसको समझा आज हम जैसे हमने तुलाती मजरत में सरफ कबीर पढ़ी थी हर चीज़ की तो इन इसी तरह हम इन तमाम अबवाब से सरफे कबीर पढ़ेंगे फुलासी मस्जिद फी में भी जी तो ये है फुलासी मस्जिद फी फेल माजी मारूफ के अबाब की गिरदान आठ बाब है ना तो ये आठ के आठ से ही सलासी सॉरी फेल माजी मारूफ की गिरदाने बनाई गई है ये क्यों बनाई हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि किसी भी वजन पे आने वाला फेल माजी उसको हमने कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है ठीक है तो फिर इसी तरह इन आपने भी कुरान पाक से जब आपने अफआल ढूंढे हैं ना अफवाब ढूंढे हैं तो अब आपने भी ये करना है कि उन अफल को लेके सिर्फ एक ठीक है यहाँ मतलब के जैसे यहाँ आठ अफवाब है ना तो आठ अफवाब में से एक, -एक फेल लेके तो उनकी बना दी है सरफे कबीर तो आपने भी ये थोड़ा सा काम करना है ठीक है जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तब तक समझ नहीं आएगा क्योंकि अल्लाह ताला का यही तरीका है अल्लाह ताला ने कहा कि बिल कलम और उसने कलम के जरिए सिखाया तो इसलिए हमें कलम यूज करना पड़ेगा बेहतरीन सीख के लिए उसके बगैर हम कर नहीं पाएंगे सीख नहीं पाएंगे अच्छे से ठीक है जैसे ये बाब इफ़ाल है इफ इसका हम फिल्मी देखें अगर देखे अफ अलाजक्र गायब फिर तस्निया मुजक्र गायब अफ आला जमा मुज्कर गायब अफ वाहिद मोनस गायब अफ अलता जमा मोनसायब अफअल फिर वाहिद मुजक्र हाजिर अफअलता तस्निया मुजक्र हाजिर अफअल तुम मा मुज़क़्कर हाजिर अफ अल तुम फिर है मोनस हाजिर अफ अल तुन्ना फिर वाहिद मुज़क़्कर मोनस अल तु, और जमा या तस्निया मोनस मोहनस अफ़ अल ना तो आपने देखा जब हमने गिरदान पढ़ी है तो फेल माजी में हम आखिर से ही अलामत तब्दील करते हैं ना नया नया सीगा बनाने के लिए तो वो जैसे हमने सुलाती मुजरत का फेल माजी पढ़ा था तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें फर्क जो भी पड़ा सिर्फ सुलाथी मुजरत और सुलासी मज़ीद फ़ी का ही है माजी बनाने में माजी की अलामत के हिसाब से कोई फर्क नहीं है तो इसमें आप कोई भी माजी की किरदान पढ़ेंगे ना तो ये सब सेम ही है जो भी फर्क आएगा सिर्फ वो तो वजन का ही फर्क आएगा ठीक है जैसे ये बाब इफ आल था तो अब बाब तफ है तो फिर उसकी फेल माजी उसी के हिसाब से बनेगी जैसे इसका माजी वाहिद मुजक्र गायब फा आल तो उसी हिसाब से ही सारी गिरदान बन जाएगी फिर मुफाला वाहिद मुजक्र गाइब फाएल तो बाकी की गिरदान इसी से बनेगी इसी के आगे ही अलामत चेंज होती रहेंगी तो गिरदान हो जाएगी

تفاعلتما تفاعلتم तफा تفاعلتما तफा تفاعلت تفاعلنا ठीक है इसी तरह बाब इफ्तियाल का तो यूं ही पूरी इसकी सरफे कबीर बन जाएगी फिर इन्फ़ियाल उनसे इनफाला वाहिद मुजक़र गायब का सीखा तो वाहिद गायब इन इफ़ से ही फेल माजी की पूरी सरफे कबीर बन जाएगी फिर इस्तफ ठीक है इस तफ आरदान बन जाएगी लेकिन जब आपने काम करना है ना तो आपने ये वाले फेल को ही नहीं ले लें ठीक है आपने पहले अफाल ढूंढे हैं ना पुराने पाक से तो आप उसी को ही ले लें और उसी पर ही सरफे कबीर बनाएंगे आप फेल माजी फिर उसके बाद हम देखते हैं फेल मुजारे से फेल मुजारे मारूफ के अब से है ये सरफ कबीर यानी पहले अपनी माँ पढ़ा अब मुजारे हैं इफ आल है, उसका फेल मुजारे वाहि मुजक्र गायब है युफ एलु तो इसके किरदार पढ़ के देखें क्या इसमें कोई फर्क आ रहा है सुलासी मुजरत से देखे युफ एलू <coughs> युफ एलानी युफ एलू तुफ़ तो, तो युफ एल नोफ तो एलू तो फैलानी तो फैलूना तो मुझे तो कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा हमने ये पढ़ा था सलासी मुजरद में फेलमजारे की चार अलामत होती हैं अतीन या अतीन तो ये चारों इसमें मौजूद है ना? देखें आप और फिर आखिर में जो भी कुछ फेलमजारे के होते हैं वही इसमें है पांच सीखों के आखिर पर पेश है तो यहाँ भी ऐसे ही है नौ सिगों के आखिर में नून होता है जिनमें से सात सीगों का नून नून एराबी है और दो सीगों का नून नून मबनी दो सीघे कौन से जमा मोहनस के उनका नून नहीं गिरता ना किसी भी सूरत में तो वो मबनी हुए और जो नून गिरते हैं वो एराबी है तो कोई फर्क नहीं है बस जो भी फर्क है सलासी मुजरद और सलासी मस्जिदी के हिसाब से ही है वरना कोई फर्क नहीं है मुजारे बनाने में उसके सरफे कबीर में ठीक है तो ये बाकी सारे अववाब ऐसे ही इनके गिरदान हैं फिर उसके बाद फेल अमर जैसे हमने सुलाती की मुजरद में पढ़ा था कि फेल अमर के दो तरीके होते हैं इसी तरह मजद फी में भी ऐसे ही होगा एक तो शुरू में अः सॉरी गायब और मुखातब ये अलहदा तरीके से बनता है और हाजिर अलहदा तरीके से जैसे फेल अमर हाजिर के सीगे मुजारे हाजिर के सीगों से बनाए थे हमने वो अलिफ लगा के है ना लेकिन जब हमने इसके गायब के सीगे बनाए थे गायब और मुतकलिन के तो हमने उनके शुरू में लाम अमर ली लगाया था तो यहाँ भी ऐसे ही है ये देखिए गायब के सीगे हैं ना मुजक्कर गायब मोनस गायब फिर उसके बाद मुजक्र मोनस मुतकली इन सी में आपको मिल रहा है लामे अमर का ली लेकिन मुजक्कर हाजिर और मोनस हाजिर के सी में नहीं है ठीक है हमने पढ़ा था कि जब फिर अमर बनाते वक्त हम अलिफ लगाते हैं ना फिर अलीफ पर हम जेर या पेश में से कुछ लगाते हैं जबर नहीं लगा सकते क्योंकि जबर उसी अमर पे होती है जहां अज खुद जबर हो तो ये वो फेल अमर है जहां खुद ही जबर लगी होती है हमें इसको कुछ भी नहीं करना पड़ता इसलिए ये है अफ इल तो आप इसको पढ़ के देखिए ली युफ इलाफ इला अफ़ील अफ़ीला अफ़ीलु अफ़ीली अफ़ीला अफ़ीलना ली उफ़ील ली नुफ़ील कोई फर्क है आखिर में बिल्कुल वही तब्दीलियां हो रही है ना जो मुजरद में थी फेल अमर के यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है और शुरू में भी गायब और मुतकल्लिम के सीगों में लामे अमर लग रहा है और हाजिर के सीगे अलिफ से शुरू हो रहे हैं बस ये कि यहाँ पर हमजा पे ज़बर पहले से ही है हमें इसको जबर के साथ ही पढ़ना है वो इसलिए जब फेल मुजारे से हम फेल अमर बनाते हैं हम देखेंगे अगर अलामत मुजारे या अमत मुजारे ता होती है ना मुखातब की अलामत छः के छः सी में तो अलामत मुजारे से पहत मुजारे के बाद वाला हर्फ अगर साकिन होता है ना तो फिर हम अलामत मुजारे को हटा के अलिफ लगाना पड़ता है तो वहां पे हमें हरकत लगानी पड़ती है लेकिन अगर फेल मुजारे में अलामत को हटाने के बाद वाला हर्ब मुतहरक होता है फिर उसी मुतहरक हर्फ से फेल अमर बन जाता है जैसे इसका मुजारे है युफ इलू है ना अफ युफ इलू असल में इसकी हुई है तालील। ये असल में युफ इलू नहीं है बल्कि असल में ये है यू अफ ईलू ठीक है यू अफ ईलू इसकी हुई है तालील, लेकिन तालील कैसी हुई है अभी हम वहां नहीं जाएंगे ठीक है जब हम तालील वाले इस बाग पढ़ेंगे ये बात वहीं पे होगी वहां पे ही इसकी सही समझ आएगी फिल वक्त आप अमर को समझने के लिए बस मेरी बात को समझ लीजिए असल में युफ इलू था ली यू अफ समझ आ रही है ना यू अफ ईलू जब हमने फेल अमर बनाया तो अलामत मुजारे हटानी थी हटा दी उसके बाद क्या बचा अफ ईलू तो हमने उस मतहर्रक हरफ से ही फेल अमर बना दिया बस आखिर में जो तब्दीलियां अमर के रूल में है वो हो गई तो अफ ईलू से यू अफ ईलू से अफ इल हो गया या हट गई फेल अमर बनाने की वजह से आखिर से साकिन हो गया फेल अमर की वजह से फिर जब हमने यहाँ पर फेल मुजारे की अलामत या हटाई थी ना तो उसके बाद वाला हर्फ मुतहर था जो तालील होके तब्दीलियां होती हैं ना माजी मुजारे में जब अमर बनता है तो वो तब्दीलियां लौट आती हैं असल से ही अमर बनता है ठीक है अफ अफिल, इफ इला अफ अफ इली अफ इला अफ इला अच्छा मैं आपको ना यहाँ पीछे एक बात मजीद वाज कर दू जैसे आप यहाँ देखें युफ इलू है ना युफ इलू युफा इलू युफा इलू कितने सारे अबवाब ऐसे जिनमें अलामते मुजारे पर पेश आ रहा है यहाँ पे आके थोड़ी कंफ्यूजन ये भी हो जाती है हमें हमने मजहूल का तरीका पढ़ा था कि वहां पर अलामत मुजारे पर पेश होता है लेकिन वहां हमने दो शरात पढ़ी हैं एक तो अलामत मुजारे पर पेश हो दूसरा आखिरी से पहले हर्फ पर जबर हो तब वो मजहूल का होते हैं वरना नहीं क्योंकि आपको याद होगा जब हमने बेसिक कोर्स में फेल मुजारे पढ़ा था वहां हमने आपको बताया था अलामत मुजारे मारूफ ही की सूरत में कभी जबर के साथ और कभी पेश के साथ इस्तेमाल होती हैं मजहूल तभी बनेगा जब अलामते मुजारे पर पेश के साथ साथ सेकंड लास्ट पर जबर भी हो या आखिरी से पहले हफ पर जबर भी हो फिर वो मजहूल होगा अगर ऐसा नहीं है शुरू में पेश देख हम उसको मजहूल नहीं बना देंगे ठीक है तो ये फेल अमर हो गया फिर उसके बाद से, अच्छा जी तरीका वही रह जाना है ये पीछे कौन सा बाब था दावी फाल से अब ये तफी से हो गया ठीक है तरीका तो वही रहना है कुछ भी चेंजिंग नहीं होनी बस जाहिर है जब बाप चेंज होना है तो बाप के हिसाब से फिर कलीमा चेंज हो जाएगा अब तफील से था तो क्या हुआ लियो लि युफा इला लि युफा इलू देखें यहाँ पे और भी सिंपल बात है मुजारे क्या था युफा इलू ठीक है जब अमर बना रहे हैं ना तो मुजक्कर के हाजिर के सिगों में सॉरी हाजिर के सिगों में चाहे मुजक्कर है चाहे मोनस है अलामत मुजारे गिरती है वो गिरने के बाद अलामत मुजारे के बाद वाला हर्फ मुतहर्रक आ गया है ना फा पर जबर है तो फा मुतहर्रक हो गई है तो बस इसी से ही फेल नंबर बन जाएगा फाइल 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 फाइली फाइल फा फाइल फिर मुतकल में लामे अमर है ली उल ली फाइल ठीक है फिर इसके बाद बाकी भी जितने भी अबाब है ना इसी तरीके से उनका फ़ेल नंबर बनेगा फिर फेल नहीं की सरफे कबीर है बाब इफ आल से तो देखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बस फेल मुजारे जो सरफे कबीर मुजारे की होती है ना उसका फेल नहीं बनाने के लिए शुरू में अलामात मुजारे से पहले हमने ला लगा देना है और आखिर में जो भी तब्दीलियां हमने पहले से पड़ी हुई हैं फेल नहीं के लिहाज से वही यहाँ भी हो जानी है तो बस ये फेल नहीं बन जाएगा जैसे لا يفعل،, لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل باب افعال, افعال يفعل تو, تو آخر لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعل لا, لا تفعل لا تفعل لا تفعل, لا تفعل لا تفعلو لا इली لا तुफ لا लुफ फिर मुतकल है ला ला फिर वो तो पीछे सारी आसान बात ही है ना कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी सबक फिर यहाँ पे बना लिया इसम फाइल और इसम अफूल आपको याद है हमने फिलाी मुजरत में इसम फाइल फ़ाइल के वज़न पे पढ़ा था और इसम मफूल मफुल के वज़न पर ही पढ़ा था कोई भी फ़ेल हो मुजरत का तो उनका ही मखसूस वज़न है फ़ाइलन इसम फ़ाइल मफुल इसम मफूल आज हम पढ़ेंगे सलाती मजीद फी में इसम फ़ाइल और इसम मफूल कैसे बनता है जी इसम फाइल और इसम मफूर सबसे पहले हम इसम फाइल बनाने का तरीका देख लेते हैं लेकिन इसको देखते ही परेशान ना हो जाना ये बहुत आसान है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है अभी हम पढ़ते हैं तो इजी हो जाएगा अभी जैसे मेरे एग्जाम हुए तो मुझे भी लगता था हाँ ये मैं देखती थी सवालत है ये क्या है फिर जब मैं उनको लिखते लिखने बैठती तो वो सारी समझ आ जाती है इतना आसान मैंने कहा अच्छा हम चीजों को देख कर ही परेशान हो जाते हैं उनके अंदर तो जाए फिर पता चले ये मुश्किल है ये हम मुश्किल है हुँ? तो ये देखिए हम इसम फाइल फेल मुजारे से बनाए तो फेल मुजारे से इसम फाइल बनाते हुए सिर्फ तीन बातों का ख्याल रखना है वो कौन कौन सी अलामत मुजारे हटाकर मीम मजमूम लगा दें मीम मजमूम यानी जम्मा वाली मी पेश वाली मी ठीक है फिर आखिरी से पहले हर्फ पर जेर लगा दें यानी आखिरी से पहले हर्फ पर कोई भी हरकत है ना मुजारे में तो इसम फाइल बनाते हुए वहां जेर लगा दें और आखिरी हर्फ पर पेश की तनवीन लगा दें तो ये इसम फाइल बन जाएगा जैसे मिसाल आपके सामने युफ इलू से फाइल बना लिया हमने मुफ एलुन मुफ एलुन क्या तरीका है ये फिल्म मुजारे हैं इससे हमने इसम फाइल बनाना है तो थ्री स्टेप पहला स्टेप क्या ये जो अलामत मुजारे या है ना इसको हटा के मीम मजमूम लगाना है मुंह हो गया मुफ फिर आखिरी हरफ पर पेश वाली तनवीन लगानी है और यहाँ चूंकि आखिरी से पहले हरफ पर पहले ही जेर है तो ये ऐसे ही रह जाएगी अगर यहाँ जबर हो तो भी यहाँ जेर आ जाएगी यहाँ पेश हो तो भी यहाँ जेर आ जाएगी ठीक है तो युफ इलू से मुफ इन ये हमारे पास इसम फाइल बन गया फिर उसके बाद इसम मफूल सेम तरीका है सिर्फ एक अलामत का फर्क है बाकी सारा वो ही है जब हमने फेर मुजारे से इसम मफूल बनाना है उसे भी हमने तीन बातों का ख्याल रखना है वहां भी वो क्या अलामत मुजारे हटाकर मीम मजमूम लगा दें यहां भी तो ऐसे ही है ना फिर आखिरी हरफ से पहले जबर ठीक है आखिरी हरफ से पहले जबर लगा दे बस यही फर्क है और आखिरी हरब पर पेश की तनमीम इसम फाइल में अलामत मुजारे हटानी है उसकी जगह मीम मजमूम आखिर पर पेश के तनवीन और आखिरी से पहले जेर सेम यही कायदा इसम मफूल बनाने का है सिर्फ आखिरी से पहले जबर लगा देगी तो वो इसम मफूल बन जाएगा जैसे ये मिसाल आपके सामने है यु फैलू इससे हमने इसम मफूल बनाया मुफ क्या तरीका था सबसे पहले हमने अलामत मुजारे या को हटा के मीम मजमूम लगा दिया फिर आखिर पर हमने पेश की तनवीन लगा दी और आखिरी से पहले जेर था तो हमने मफूल बनाने के लिए इसको जबर लगा दी तो ये बन गया ठीक है मुश्किल नहीं है बहुत आसान है ये फिर इस पर हम देख लेते हैं गिरदान तशरीफुल इसम फी और आपको ये पता है कि इसमें कोई भी हो इसकी तीन हालतें होती ही होती हैं रफई नस्बी जरूरी ठीक है।, है इसलिए रफे हालत में मुफ इन मुफ इी मुफ इफलात यानी के इलातन यानि और इसम फायल के छः होते हैं तीन मुजक्कर के और तीन मोनस के फिर इसकी नस्बी हालत आ गई मुफ इन मुफ

तो इसलिए इसकी तीनों हालतें ही होगी रफ़ई हालत में मुफ मुफ़ालानी मुफ मुफ़ालतुन मुफ़ालतानी मुफ़ालतुन फिर नस्बी हालत है तो मुफ़ालन अल मुफ मुफ़ालतन मुफअन मुफ याद ही है ना आपको के रफ़ई नस्बी ज़री में तस्निया के रात हैं जमा में जमा मुजक्र या जवा मोनस के क्या इराब है होते हैं ठीक है तो ये वही चीज है कुछ भी नया नहीं है फिर जरूरी हालत मुफ ये हमारे पास है इसम मफूल की किरतान अब यहाँ पर आपके करने का काम है कि आपने इसम फाइन और इसम मफूल से इसम फाइल इसम इसमूल की गिरदान बनानी है सुलासी मजीद की से मतलब आपने जो अफाल पहले निकाले थे ना उन्ही को उठाएंगे ठीक है उन्ही से आपने माजी और मुजारे की गिरदाने बना लेनी है और फिर जब आपसे वो मुजारे बन जाएगा ना तो हमने पढ़ा कि फैल इसम फाइल और इसम मफूल फेल मुजारे से ही बनता है तो आपने वहीं से सिर्फ इसम फाइल और इसम अफूल के लिए आपने कोई एक फेलमजारे लेके ना उसका ही बना देना बस एक गिरदान इसम फाइल एक गिरदान इसम मफूल की बाकी जो ऊपर आपको बताया वो करना आपने लिखना जरूर है आपने लिखे बगैर समझ नहीं आती थोड़ा थोड़ा थो 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 दें प्लीज इतना टाइम नहीं मिलता मेरा हाँ ठीक है ठीक है जैसे आसानी है वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं है बहुत ज्यादा ना तबीयत कई दिनों से तो मेरी खराब हुई गई है अल्लाह इसलिए खैर क्लास ले रही हूँ ऐसे ठीक है भी आज भी बहुत खराब है गई ठीक है आज का सबक हमारा इतना ही है ठीक है यहाँ से हम इस दुआ के साथ क्लोज कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की इन कोशिशों को कबूल फरमाए सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته